सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के सबरेटन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर हित मजदूरों नूं समर्पित प्रोग्राम विच वर्चुअली कीती शमूलियत। गरीब नौजवान औरतां अते किसानां नूं अपने लई वड्डियां चार जातां दस्सिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह अते विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने लिया डेयरी प्रोजेक्ट का जायजा। मंत्री ते विधायक ने पटियाला जिला प्रशासन अते डेयरी यूनियन के नुमाइंदे नाल कीती बैठक। मनजीत सिंह जीके अपनी सारी जागो टीम के नाल श्रोमणी अकाली दल बादल विच मुड़ होए शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दिल्ली विच पंथक एका होया, हुण पंजाब विच भी करन दी अपील। हुण खबरां विस्तार नाल। आउण वालियां लोक सभा चोणां 2024 तों पहलां विरोधी धिर वल्लों देश विच जाती जनगणना की मंग नूं तेज़ करन दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब नौजवान औरतां अते किसान उन्हां लई सब तों वड्डियां चार जातां ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए इंदौर विच सूबा सरकार वल्लों आयोजित मजदूर हित मजदूरों नूं समर्पित प्रोग्राम विच हिस्सा लैंदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह हमेशा कहिंदे ने कि उन्हां लई देश विच चार जातां सब तों वड्डियां ने। यह चार जातां ने गरीब नौजवान औरतां अते किसान। उन्हें कहा कि गरीबों की सेवा, मजदूरों का सन्मान अते वांझे लोगों का सन्मान साडी सरकार दी तरजीह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडी कोशिश है कि देश के मजदूर ताकतवर बन के खुशहाल भारत के निर्माण में अहम योगदान पाउण। प्रधानमंत्री ने इंदौर में 32 साल पहले बंद हुई हुकम चंद कपड़ा मिल के तकरीबन 5000 मजदूरों के 224 करोड़ रुपए के बकाए का बटन दबा के भुगतान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में हुई विधानसभा चोणों में भाजपा के मध्य प्रदेश में भारी बहुमत नाल सत्ता में वापसी करने तो बाद पहली बार सूबे में एक जनतक समागम में शिरकत की है। पंजाब दे सेहत अते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह अते पटियाला तों विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने अमरोवाल विखे श्री गुरु नानक डेयरी प्रोजेक्ट दे जायजा लैण लई डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी, नगर निगम दे संयुक्त कमिश्नर बबनदीप सिंह वालिया अते डेयरी यूनियन दे नुमाइंदे दे नाल इक बैठक की है। डेयरी मालकां नूं शहर विचों डेयरियां इस प्रोजेक्ट विच तब्दील करन लई आखदे। सेहत मंत्री अते अजीतपाल सिंह कोहली ने कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई विच डेयरी मालकां नूं उत्थे डेयरी किते नूं होर वधाउण लई हर तरह की सहायता प्रदान करन लई वचनबद्ध है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस्सिया कि पंजाब सरकार दे यतना सदका HDFC बैंक डेयरी मालकां नूं शैड उसारी लई 10 लाख रुपए का कर्जा बिना किसी बैंक गरंटी दे रही है। विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत नाल तकरीबन 21.26 एकड़ में बनाया गया प्रोजेक्ट जिथे शहर की साफ सफाई और सीवरेज को बंद होने से रोकने में सहाई होगा, उत्थे ही डेयरी मालकां दे धंधे नूं होर विकसित होने विच भी सहायता करेगा। पिंड केकर खेड़ा कोल मलूकपुरा नहर विच बीती रात पाए पाड़ तों बाद बल्लूआणा दे विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफर अते फाजिलका दे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शेनू दुग्गल ने मौके ते जाके स्थिति दा जायजा लिया। इस मौके विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफर ने कहा कि प्रभावितां दी सरकार वल्लों हर संभव मदद की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने दस्सिया कि बीती रात नहर विच पाड़ पै गया सी, जिस तों बाद तुरंत प्रभाव नाल हैड वर्कर्स तों पाणी दी कटौती की गई। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा कि छेती तो छेती पाड़ बंद किया जाए। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने सिंचाई विभाग को कहा कि वह पानी की नेड़े तो लंघ रहे सेम नाले में निकासी करवाए ता जो फसलों का घट तो घट नुकसान होवे। उन्होंने माल विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि इस कारण हुए नुकसान संबंधी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। एक इतिहासिक घटनाक्रम विच दिल्ली विच पंथक एकता उदों मुकम्मल हुई जदों सीनियर अकाली आगू सरदार मनजीत सिंह जीके अपनी सारी जागो टीम के नाल मुड़ श्रोमणी अकाली दल बादल विच शामिल हो गए अते उन्हां कौमी राजधानी विच अकाली दल के प्रधान परमजीत सिंह सरना दे नाल रल के पार्टी की मजबूती वास्ते काम करन अते नाल ही सारे लटकते पंथक मामले हल करवाउण वास्ते काम करन दा अहद लिया। यह घटनाक्रम उदों वापरिया जदों श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में अकाली दल की सीनियर इकाई के प्रधान अते सीनियर लीडरशिप नाल सरदार मनजीत सिंह जीके की रिहायश उत्ते पहुंचे। इस तों पहलां दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अते साबका कौंसलर परमजीत सिंह राणा भी अकाली दल में शामिल हो गए। सरदार मनजीत सिंह जीके ने कहा कि अकाली दल ने पंथक एकता वास्ते उन्हां दी रिहायश उत्ते आके वड्डा दिल विखाया अते उन्हां ऐलान किया कि बिना शर्त अपनी जागो पार्टी की टीम समेत
श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। इस मौके संबोधन करदे सुखबीर सिंह बादल ने जीके का मुड़ पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बलविंदर सिंह भूंदड़ प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा और दिल्ली की समुची अकाली लीडरशिप मौजूद रही। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। मेरी कोशिश इको एक है कि अपनी कौम दे जो जो अपने कौम तो अलग हुए है या पार्टी तो किसी कारण करके जे मेरे तो गलती हुई तो मैं उदो भी माफी मंगी सी, मैं हुण भी मंगदा क्योंकि अपने वास्ते कौम एक नंबर ते है। जे आपां इकट्ठे हैं जिवें मैं शुरू कीता सी ताई तकड़े हैं। जिहड़े अज अखां दिखाउंदे आ क्यों दिखाउंदे, हुण देखिया जिहड़े मंडे गए कोई इधर तरह दे मंडे है। हुण जदों आपां इकट्ठे होई जांदे आ ते देखो अपने सारे पंजाब च वी हौसला, देश च वी हौसला, हिंदुस्तान दी दुनिया दे कोने कोने च टैलीफोन आउण लग गए कि जी इकट्ठे। मैं काफी देर दा मैं बेनती कर रहा सी सर मनजीत सिंह जी नूं, मेरा इन्हां नाल बहुत लगा है ते इन्हां दे मेरे इन्हां दा मेरे पिता साहब नाल इन्हां दे बजुर्गां दा मेरे बजुर्गां नाल बहुत लगा है। देखो इस इन्हां दे बजुर्गां दा सिख कौम वास्ते ते अकाली दल वास्ते बहुत पुराना इतिहास योगदान रहा। सो जिहड़े परिवार अजे जिन्हां दा इतिहास सिख कौम दी सेवा च लग्या होए वह परिवारां नूं सारयां नूं इकट्ठे पीढ़ी तो पीढ़ी इकट्ठी अपने जनरेशन तों आपां नूं इकट्ठा होना चाहिए है। तो अज मैनूं जिहड़ी वड्डी खुशी है तो मैं कह सकदा अज दिल्ली का समूचा सिख इकट्ठा हो गया एक झंडे थले। सरना साहब बैठे है, जे तुसीं देखोगे दिल्ली गुरुद्वारा इलेक्शन दे इलेक्शन दा सुभाव भी देखो तिन्ने पार्टियां एक हो गईयां। हुण सरना साहब भी लड़े सी, मनजीत जी भी कहे कि अकाली दल, अज तिन्ने हो गया। देखो किड्डी वड्डी ताकत आ तुहाडी। मैं हो गया, अकाली दल हो गया, असीं एक दूजे दे खिलाफ डट के लड़े सी, कोई लिहाज नहीं कीता एक दूजे दा। लेकिन अज जे कोई एकता दी गल दा हुंगारा इन्हां ने भरिया ते मैं उस ते अपनी हामी अपनी मैं स्वीकृति दिना। मैं अपनी पार्टी ने मेरी ने मैनु इख्तियार दिता सी मीटिंग करके पोलिटिकल अफेयर कमेटी ने और कोर कमेटी ने कि जो फैसला लो ठीक लोगे। मैं इस गल नु एक्सेप्ट करदा और कोई कंडीशन नहीं। सरना साहब इत्थे प्रधान ने, असी नाल रल के लगांगे और साडी कोई अज इलेक्शन नहीं है जी सवेरे कि असी कोई इलेक्शन लड़नी है, कोई सीटा वंडनी है, कोई इलेक्शन जितनी है या कोई अहदे चाहिए ने। साडा काम इको है कि साडे जेड़े मसले ने वह भावे बद्दी सिंघा दा होवे, वह आर्टिकल 25 दा होवे, वह ज्ञान गोदरी साहब दा होवे, वह डांगबाड़ साहब दा होवे, और पंजाब दे मसले जेड़े ने किते SGPC नूं हथ पैण दिया, किते मैं समझदा कि एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ दी UT दी तोड़ी जा रही है, पंजाब दा दखल कढ़िया जा रहा है, किते भाखड़ा नंगल डैम दे विचों पंजाब दा हौली हौली करके असर कढ़िया जा रहा है। मैं समझदा कि शायद आम लोगों को यह गल्लां ना समझ आंदियां होण। अज तुसीं यह देखो कि यह आख्या जा रहा है पार्लीमेंट दे विच बयान आया सरकार वल्लों कि असी जिहड़ी फैसला सरकार ने कीता सी 2019 च बद्दी सिंघा दा या राजोवाणा साहब दा, अज सरकार उस तों बैक ट्रैक कर रही है। यह आख रही है कि जी एदे च ए काम नहीं होया, बी काम नहीं होया, सी काम नहीं होया। मैं पूछना चाहना कि बिल्किस बानो दे जेड़े कातल सीगे उन्हां नू किते, मैं समझदा वा कि उन्हां ने माफी मंगी सी किते। श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर परमजीत सिंह राणा दे इलाके विच पहुंचे ते संगत नाल विचार सांझे कीते। इस मौके परमजीत सिंह राणा ने उनका स्वागत ते सन्मान किया। इस मौके श्रोमणी अकाली दल दी दिल्ली इकाई दे प्रधान परमजीत सिंह सरना, बलविंदर सिंह भूंदड़, बीबी रणजीत कौर भी मौजूद रहे।
मैं अज धन्यवाद करता सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, जिन्होंने लंबे समय बाद उन्होंने अज अपने अकाली वर्करां नूं याद किया और अज इस समागम के मुख उद्देश है कि पार्टी को दोबारा तो सुरजीत करन दा काम सरदार सुखबीर सिंह बादल आरंभिया। अज पहला इत्थे अपने इलाके दे विच आ के मेरा माण वधाया। आई संगत का भी धन्यवाद करदा और अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल का भी धन्यवाद करदा। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह ने आख्या कि भाई गुरदेव सिंह कौंके का कातल 90वें दे दहाके दौरान मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की कांग्रेस सरकार वालों पंजाब पुलिस के मुखी KPS गिल रही हजारां सिख नौजवानों की कीती नशलकुशी की बेहद घिनौनी मिसाल है जो दुनिया के सामने आनी है। भाई कौंके के कातलों बेपर्द करके मिसाली सज़ा मिलनी बेहद जरूरी ने। श्री अकाल तख्त साहब के सकत्रेत तो जारी किए एक बयान में सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह ने दसा कि लगभग 30 वरे पहला भाई गुरदेव सिंह कौंके पुलिस वालों घरों चुक के अणमनुखी तशद्दुद करके भेद भरे तरीके दे नाल शहीद करन संबंधी IPS BP तिवाड़ी की रिपोर्ट उत्ते कानूनी पक्षों तो खोह करके ढुकमी कार्रवाई भाई कौंके के कातलों विरुद्ध कतल का मुकदमा दर्ज करवाने लई श्री अकाल तख्त साहब वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश दिता गया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल ने मीडिया को जानकारी दें दस्सिया कि भाई गुरदेव सिंह कौंके के कतल के मामले में श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों जारी किए आदेशों मुताबिक कार्रवाई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों यकीनी बनाई जाएगी। शहीद भाई गुरदेव सिंह जी कौंके सिख पंथ के अंदर वड्डा नां वड्डियां सेवावां चढ़दी कला वाले सिंह कहनी ते करनी दे पूरे जिन्होंने वड्डे किना रुतबियां ते कौम की सेवा की। जदों बेअंत सिंह की सरकार वेले जिहड़ा सिखां दी नसलकुशी का एक एजेंडा कांग्रेस वालों लिया गया KPS गिल ने जो पंजाब के अंदर अतवाद के नाँ के उत्ते नौजवान जिहड़े आ बेदोशे नौजवानों का वड्डे पद्धर ते कांड कीता वो इतिहास जगजार है। इस समय के दौरान भाई शहीद भाई गुरदेव सिंह कौंके जी जिन्हां नूं गिरफ़्तार किया गया उस तो बाद रिहा किए गए मुड़ तो फिर 1992 की 25 दिसंबर अज का दिन 31 साल करीब 31 साल के पहला उन्होंने पुलिस जी है वो गुरद्वारा गुरुसर कौंके तो गिरफ़्तार करती है। उस तो बाद घरों सैकड़े लोगों की हाजिरी जी है ये पुलिस अपने नाल लै जाती है तो उस तो बाद उन्होंने CA स्टाफ में रखा जाता उस तो बाद थाने रखा जाता। बहुत लोग इस गल के चश्मदीद ने कि उन्होंने परिवार जोड़े आ उन्होंने मिलते रहे होर भी जी संगत उन्होंने बारे जानती सी पर यह गल कह के कि उन्होंने तो बरामदगी वास्ते लिजाया जा रहा है जो कि उस समय की पुलिस तो बुचड़ जड़ा कहते होंगे जहनीयत के लोगों ने भाई गुरदेव सिंह जी कौंके शहादत का जाम पिलाया पर उन्हां दी कहनी ते करनी अज भी इस दुनिया में याद की जाती है। इस संबंध के मनुखी अधिकार संगठनों वालों जो उस समय एक IG तिवाड़ी जिहड़ी है जिहड़े अफसर सी उन्हां दे नाम दे उत्ते एक जांच कमेटी बनाई गई तो उस रिपोर्ट जिहड़ी है वो अज जनतक हुई है तो कुछ संस्थावां ने मनुखी अधिकार संस्थावां ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं उह रिपोर्ट सौंपी है। तो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने बहुत ही जिम्मेवारी समझदे आ इस रुतबे की जिम्मेवारी समझदे आ तो जो सिख कौम नाल वापरिया खास तौर पर महान योधे शहीद भाई गुरदेव सिंह कौंके जी के नाल इस सरकार ने तशद्दुद ते जुल्म किया उन्होंने शहादत जिहड़ी आ होई आ उन्होंने उस संबंधी जिहड़ी रिपोर्ट आई आ उस रिपोर्ट दे आधारित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को हुक्म लाया। पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लैंदे शहीद की सभा मुख रखते हुए 3 दिन शराब के ठेके बंद रखने का ऐलान किया है। यह हुक्म केवल श्री फतेहगढ़ साहब में ही लागू होंगे। गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब और गुरद्वारा ज्योति स्वरूप साहब के 3 किलोमीटर के दायरे में होटलों में शराब नहीं परोसी जाएगी और शराब के ठेके बंद रहेंगे। इन्हों हुक्मों मुताबिक 26 से 28 दिसंबर तक शराब के ठेके बंद किए जाएंगे। इस संबंधी प्रशासन ने बाकायदा हुक्म जारी किए हैं और जेकर किसी वालों हुक्मों की उलंघना की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहीदी जोड़ मेल फतेहगढ़ साहब मौके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादे माता गुजर कौर जी की शहीदी की याद में
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭਵਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਸਾਕਾ ਸਰੇਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੈਂਜਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗਲਬੱਕੜੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੱਤਰੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭੁਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵਾਕਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਲਵੱਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਵਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰਬਲ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ BJP ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰਬਲ ਦਿਵਸ ਭਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਭਲ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੇ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀਰਬਲ ਦਿਵਸ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।
और कल 20 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो रहने वाले हैं। पूरी साध संगत से मैं ये निवेदन प्रार्थना भी करूंगा कि कल छठी पातशाही गुरुद्वारा में उन बच्चों की याद में जिन्होंने इस देश की, इस कौम की रक्षा के लिए अपने आप को बड़ी शहादत दी है, उनकी याद में जो अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ था, कल उसका भोग है उनकी याद में। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह गजनाबा पहुंचे, जिथे उन्होंने धर्मी राजे वजो मशहूर महाराजा हीरा सिंह दे हीरा महल विरासत इमारत की सांभ संभाल दे चल रहे कामों का जायजा लिया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिआं ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने इतिहास के इस दिन याद करते हुए साहिबजादे की शहादत को सलाम किया। जथेदार रघुवीर सिंह वालों दीवान टोडरमल की हवेली समेत वख-वख विरासत इमारतों संभालने लिए पंजाब सरकार को सही कदम चुकने लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने नौजवान पीढ़ी को साडे महान इतिहास तो सीध लैण की सिक्ख्या भी दी। हीरा महल नाभा विखे महाराजा रघुमर सिंह जी के महल में आए हुए हैं और आके जो उन्होंने वंशज ने उन्होंने नाल मेलजोल किया महल तक है और महल की जी रेनोवेशन का काम है वह वड्डे पद्धर पर किया जा रहा है और यही बेनती की गई है कि एक विरासती महल है और एक धर्मी राजे का महल है, इस सांभ संभाल बिल्कुल सही ढंग की जाए और बिल्कुल सही ढंग के नाल जो महल की सांभ संभाल है वो परिवार वालों की जा रही है और खास करके जो अच्छे दिन चल रहे हैं जो हफ्ता चलता है कि चमकौर की गढ़ी के जो महान शहीद गुरु साहब जी के साहबजादे पांच प्यारे साहबान विचों तीन प्यारे अनेक संघां ने जो उत्थे शहादत प्राप्त कीतियां धर्म युद्ध किया जो उन्होंने संस्कार होए एक तो बीबी हरशरत कौर जी जिन्होंने सिंघां दे संस्कार किए और उन्होंने मुगलों ने ज्यौदे ही चिखा च सिट के उन्होंने शहीद कर दिता और उस तो बाद जो बचे हुए सिंह सन उन्होंने जोड़े संस्कार ने वो फूलवंशिया जो सीगे परिवार भाई राम सिंह ते भाई तलोक सिंह उन्होंने बचे हुए सिंह संस्कार किए सन और ये जो परिवार है ये भाई तलोक सिंह का परिवार है और अज असी इतने हीरा महल देखने वास्ते पहुंचे हुए उचेचे तौर पर पहुंचे एक जो प्रोग्राम से और सोचा कि असं जरूर ही उस धर्मी राजे के घर के हो के जाइए कि जिन्हें इन्नी वड्डी कुरबानी जी की है और जिन्हों का पिछले समय 100 साल का जोड़ा दिहाड़ा है वह भी मनाया जिस तरह बिल्कुल जी इमारती जी विरासती इमारत ने उन्होंने सामभ संभाल करनी सरकार की बहुत वड्डी एक जिम्मेवारी बनती है। केवल इमारत नहीं इन्होंने पिछले एक बहुत वड्डा इतिहास छुपया बैठा है और मैं कहना कि पंजाब ही नहीं पंजाब तो बहर भी जिते कित भी कोई जी कोई विरासती जगह ने जी कोई हैरीटेज बन गए हैं और उन्होंने सामभ संभाल करनी सरकार वास्ते बहुत वड्डी एक जिम्मेवारी बनती है। दीवान टोडरमल जी की हवेली इन्होंने एक बहुत वड्डी एक सेवा है कि उस समय इन्होंने कह लीए कि दुनिया की अज भी सब तो कीमती जगह जो मोहरा मछा के सूबा सरहद के कोलों ली और पूजनीक माता जी माता गुजर कौर जी और सतगुरां के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब जी का मोहरा खड़िया करके उस धरती खरीद के संस्कार किया। उन्होंने जी हवेली है जिन जहाजी हवेली भी कहा जाता है वो सांभ संभाल करनी भी बहुत जरूरी है और पिछले समय वो सांभ संभाल की जी सेवा है वह भी आरंभ की गई है। प्रधानमंत्री ते लोक सभा दे स्पीकर दी अगवाई विच संसद मैंबरां ने संविधान सदन विच पंडित मदन मोहन मालवीय ते साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई नूं उन्हां दी जयंती दे मौके ते श्रद्धांजलि भेट कीती। शरदा दे फुल भेट करन वाले होर पतवंतियां विच कई केंद्रीय मंत्री राज्यसभा दे डिप्टी चेयरमैन हरिवंश संसद मैंबर साबका संसद मैंबर ते होर पतवंते शामिल सन। इस मौके लोक सभा दे जनरल सकत्तर उत्पल कुमार सिंह ने भी श्रद्धांजलि भेट कीती है। पटियाला के गुरद्वारा शहीद अकाली बाबा फूला सिंह जी अरबन स्टेट पटियाला के बाहरों मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आई है। पीड़ित बलजिंदर सिंह ने दसिया कि वह किसी काम लिए अरबन स्टेट पटियाला विखे गया से उसने अपना मोटरसाइकिल गुरद्वारा साहब के गेट के बाहर खड़ा किया। जब वापस परत्या तो उसका मोटरसाइकिल उत्थे नहीं सी। इस तो बाद उसने पुलिस को इतलाह की और पुलिस वालों मामले में कार्रवाई करने की गल कही जा रही है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। अरबन स्टेट जदों मैं गुरद्वारा बाबा फूला सिंह जी दे मत्था टेकन शाम नूं गया तकरीबन समा 4:30 बजे का सी
जो मत्था टेक के मैं वापस आया तो जिस थान पर मैं अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया उस थान पर मेरा मोटरसाइकिल नहीं सी। उस तो बाद मैं कैमरे की फुटेज कढ़वाई जिस विच एक कुड़ी ते मुंडा जो तुसी वीडियो विच देख सकते हो और लेके फरार हो गए। मेरी हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन नू यही बेनती है कि दोषियों नू जल्द तो जल्द फड़िया जाए ते इना ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत नू समर्पित मुस्लिम भाईचारे वालों पटियाला विच अनोखी पहल करते हुए चावलों का लंगर लगाया गया। इस मौके उन्होंने मानसिकी जात सभा एक पहचान वाला सुनेहा दिता। साढ़े पत्रकार अमरजीत सिंह ने इसकी विशेष कवरेज की। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी की लसानी अदुती शहादत को समर्पित जिते फतेहगढ़ साहब की धरती के उपर विशेष जोड़े समागम ने रखे गए हैं। महानगर कीर्तन जोड़ा उतो लंघना जी की जिद विशेष तौर पर मुस्लिम भाईचारे वालों भी जोड़ा विशेष अज जो लंगर आ पटियाला धरती के उपर लगया गया, क्योंकि अक्सर ही किया जाता है कि मानस की जात सब है एक पहचानो, क्योंकि जेकर मरेकोटले की गल की जाए तो उत्थे दे नवाब ने छोटे साहबजादों के हक के हाँ का नारा मारिया सी ता उस दे पैरे दे चलदे होया अज मुस्लिम भाईचारे जिहड़े ने वो लगातार जिहड़ा लंगर आ फतेहगढ़ साहब की धरती पर भी लगाया जाता है तो पटियाला की धरती पर भी जिहड़ा लंगर आ लग्या होया है। सो तस्वीर तुसीं देख रहे हो वो मिसाल जिहड़ी है अज उस तरह कायम है जिस तरह मलेरकोटले के नवाब ने छोटे साहबजादों के हक के हाँ का नारा मारिया सी ते जिहड़ा उसे नूं चलदिया होया जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा है वो अज लंगर जिहड़ा इत्थे लगा रहा। सो असीं गलबात करदे आ भाई जी, बहुत चंगा लग्या एक मिसाल जी है कायम की है, ये किवें मन दे विच किवें आया तुहाडे इह ते किन्ना चिर हो गया लंगर लग रहा है? जी असीं पंजाब च बड़े प्यार सत्कार नाल रह रहे ने, साढ़े हर एक धर्म के बंदे साडा सत्कार करते हैं, असी हर एक धर्म का सत्कार करते हैं। साडे मन च भी कई सालों तो असी लंगर लगा रहे बदल बदल के पटियाले दे विच, साडी सलमानी एकता मंच पटियाला वालों रजिस्टर्ड वालों ये लंगर लगाया गया है। असी सारे धर्मों का सत्कार करते हैं, असी कन्ने भी सारे जिन्ने भी अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रल मिल के प्यार मुहब्बत नाल रहन और अपना परिचय देन प्यार मुहब्बत का। और जिहड़े अपने फतेहगढ़ साहब वाले अपने बच्चे उन्होंने चुनवाए सी तो वो बहुत गलत काम करा सी, उहदे विरोध च उन्होंने नवाब मलेरकोटला जी ने हाँ का नारा मारा सी। अज तक मलेरकोटले दे उन्होंने वो वरदान दिता सी भी थोड़े ते कदे कोई आँच नहीं आऊगी, तो बाबा जी ने इन्ना उन्होंने वो सत्कार दिता मलेरकोटले ने, अज तक उत्थे कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं और सारे बड़े उन्होंने सत्कार करते बाबा जी का। और असं भी यही चाहते हैं भी जिथे भी असी रहीए सत्कार नाल मुहब्बत प्यार नाल रहीए। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते हैं, नज़र मारदे मौसम के हाल से, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।